आम का अचार बनाने के लिए मैंने देखिए 1 किलो कटा हुआ आम लिया है, और इसमें ये देखिए गुठलियां इसकी पड़ गई हैं, तो ये घर पे काटने में दिक्कत होता है, तो मार्केट से भी कटवा के आप ले सकते हैं, या तो घर में अगर काट पा रहे हैं तो घर में भी काट सकते हैं। इसका पीस थोड़ा सा छोटा ही रखिए, क्योंकि बड़ा पीस रहता है तो उसको काट के किसी को दे रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। छोटा पीस रहता है तो एक पीस आप निकाल के दे देंगे तो बढ़िया रहता है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए तेज धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया है। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा सूखा दिख रहा होगा ये। आपके यहाँ धूप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको पंखे के हवा में रात भर के लिए सुखाएंगे तो भी अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा। आम सुखाते समय ध्यान रखिए कि आम को इस तरह से ऐसे कर करके रखिए, ये कटा हुआ भाग ऐसे ऊपर रहे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रखिएगा ताकि सारे पीस में हवा अच्छी तरीके से लगे। इस तरह से ऊपर ही रहे तो इसमें हवा बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। आम तो तैयार है, अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, इसमें 2 टेबल स्पून मेथी दाना डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसमें 4 टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे, मोटा वाला सौंफ है, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल देंगे। बहुत से लोग अचार में धनिया नहीं डालते हैं, तो आपको भी नहीं पसंद है तो ना डालिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि एक बार थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल के बनाइएगा। धनिया डालने से भी अचार का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। साथ में 1 चम्मच साबुत जीरा भी डाल देंगे और इसको भी कुछ सेकंड के लिए ऐसे भून लेंगे। मेथी दाना भूनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले मेथी दाना ही डाला था। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें 3 चम्मच सरसों डाल देंगे, मैं यहाँ पे पीला सरसों ले रही हूँ। इसको भूनना नहीं है, बस पैन हल्का सा गर्म है तो इसको भी गर्म कर लेंगे, भूनेंगे नहीं। और 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, तो इसको भी हल्का सा गर्म कर लेंगे क्योंकि पैन बहुत थोड़ा सा ही गर्म है। ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए फिर हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, बारीक नहीं किया है, देखिए हल्का हल्का दरदरा है, तो इसी तरह से चाहिए। तो अब इसमें हम बाकी के मसाले भी मिला लेंगे। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 और ये आधा, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहे तो पूरा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही डालिए या तो लाल मिर्च पाउडर ही डाल सकते हैं। आप सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो 4 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि ये तीखा कम होता है, मैंने इसीलिए 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। अभी तक हम इसमें मंगरेल नहीं डाले हैं, तो 1 चम्मच मंगरेल डाल देंगे, मंगरेल ऊपर से ही डालेंगे, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो मंगरेल को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन तब आप मंगरेल थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इतना ही मंगरेल आप अचार में डालेंगे तो फिर अचार कड़वा हो जाएगा, पीसने से मंगरेल में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। अब इसमें हम 6 चम्मच नमक डाल देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा नमक बाद में फिर डाल देंगे। किसी भी अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये अचार को जल्दी ख़राब नहीं होने देता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला देंगे सभी मसालों को ऐसे। बहुत से लोग आम के अचार में साबुत धनिया और साबुत जीरा नहीं डालते हैं, लेकिन मैं जब भी अचार बनाती हूँ आम का तो उसमें धनिया और जीरा जरूर डालती हूँ। आप भी एक बार धनिया और जीरा डाल के अचार बनाइएगा, आपको भी पसंद आएगा। इस आम में ऐसे हम इसको इस तरह से करके डाल देंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, तो आप भी जब भी कोई अचार बनाइए तो उसमें सरसों का ही तेल डालिए, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा अचार बनता है। तो मैंने यहाँ पे 200 ml सरसों का तेल लिया और उसको लो गैस फ्लेम पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो जब इसमें से धुआं निकलने लगा तो मैंने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस तरह से करके ऐसे डाल देंगे और इसको मिला देंगे। अचार अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि कोई भी पीस सादा ना रहे, सब में तेल और मसाला अच्छी तरीके से लग जाए।
इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 2 चम्मच नमक और डाल दूंगी। किसी भी अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है तभी अचार ज़्यादा दिन तक टिकता है। अगर आप नमक कम डालेंगे तो अचार जल्दी ख़राब होता है। तो टोटल मैंने 1 किलो आम में 8 टेबल स्पून नमक डाला है। मैंने जितना भी मसाला लिया था सब टेबल स्पून से ही नाप के लिया था और पूरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, कुछ भी नहीं बचाया है। तो इसी तरह से मसाला चाहिए। देखिए अचार के ऊपर कैसे मसाला दिख रहा है। अब इसमें 1 टीस्पून हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, आपको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अचार का जो कलर है वो भी नहीं ख़राब होता है, इसी तरह से रहेगा। बस इसमें इतना ही तेल मैंने डाला है कि मसाला और तेल सब आम पे अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखिए नीचे बिल्कुल तेल नहीं है कि तेल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेल है। तो इसी तरह से चाहिए, इसमें और तेल हम नहीं डालेंगे। मैंने 200 ml तेल लिया था तो उसमें से देखिए इतना तेल चाहिए है तो मैंने लगभग 150 ml तेल इसमें डाला है। तो बस इससे ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अचार को हम एक डिब्बे में करके रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डिब्बे में भर के इसको रख दिया है। इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसको बंद कर देना है और इसको कभी कभी इस तरह से बस हिला देना है ऐसे, और कुछ भी नहीं करना है। आज देखिए तीसरा दिन है और देखिए आपको यहाँ पे तेल और पानी सब दिख रहा होगा, ये अचार का ही है तो इससे अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा। आप अगर जल्दी से इसको खाना चाहते हैं कि जल्दी से गल जाए तो आप इसको 1 से 2 दिन आधा 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए तो अचार और जल्दी से गल जाएगा। वैसे 10 से 15 दिन में ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से गल जाता है। ये देखिए देखने में अचार कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए पूरा मसाला अच्छे तक लिपटा हुआ है और ये गल भी गया है, बहुत ज़्यादा नहीं गला है लेकिन थोड़ा सा गल भी गया है। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अभी 2 दिन ही कंप्लीट हुआ है अचार को और अचार काफी गल गया है। ये देखिए इसी से पता चल रहा होगा कितना गल गया है। थोड़ा सा अचार देखिए मैंने इसमें भी छोटे से जार में रख लिया था तो इसमें भी देखिए पानी निकला है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसको भी मैंने 1 से 2 बार हिला दिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि धनिया डालने से अचार जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप धनिया को हल्का सा भून के डालेंगे तो अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें तेल कम पड़ा है तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा, अचार खत्म हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। बस आप इसको साफ और सूखे हुए चम्मच से निकालिए। तो अगर आपको मेरी एक कम तेल में अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।